देखा भी मैं बुला रही हूँ। अभी नहीं ले आई। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? नहीं लेके आई, ताई के घर पे गई है। क्या बना रहे हैं? बस मैं देख लूं। मैं कौन सा सर माइक्रोन लगा? प्रशांत, तुम्हें इतना ड्राइंग में शौक है इडियट? है? प्रशांत, सॉरी मैम, गलती गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया तुमने। नो मैम, मेरे को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। सॉरी मैम। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, अब देखो, मैंने जो पहले क्लास से पहले मैंने ड्राइंग किया था, सेम थिंग्स है। कितना का ये 12.5, यहाँ पर 4 तक 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया गया है। 5 इक्वल डिवीजन, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर में 5 इक्वल डिवीजन्स ड्रॉ किया। उसके बाद मुझे ये दिस वन, यहाँ से फर्स्ट डिवीजन को 10 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करनी है। ये 2.5 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हो? जवाब दो। yes, ma'am. कैसे करोगे 2.5 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करोगे? मैम 10 से डिवाइड सेंटीमीटर में 2.5 को। ओके, तो मैं तो पढ़ लूंगा। मतलब 2.5 सेंटीमीटर मींस 25 mm है। 25 mm 2.5 mm पर 10 इक्वल डिवीजंस करनी पड़ेगी। ये काम आसान है। मैम स्टूडेंट को बोलिए मैं कॉप कर लेने के लिए, बहुत आवाज आ रही है। उसी से खरीदा, ये मत दियो, तुम मत दियो, ये तो सब बंद हो गया। हम लोग आ गए मैम, माइक बंद करवा दो। माइक बंद कर रहे हैं यार, फोन है जब्त कर लेंगे, जब करा क्लास को इस पे गोले मिले।
ओके हमें फर्स्ट डिवीजन को 10 इक्वल पार्ट्स करनी है, तो हम इसके लिए हमें फ्रॉम दिस पॉइंट 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर से भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो. फॉर माय कन्वीनियंट आई एम ड्राइंग फ्रॉम दिस कॉर्नर 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ये लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए? आई विल टेक इट एज 5. क्यों मैं 5 कर रही हूँ बताओ? 5 सेंटीमीटर. मैम ये हमें 30 डिग्री देना है मैम. 30 45 डिग्री में भी कर सकते हो. मैं हमेशा 30 डिग्री लेती हूँ, तुम भी वही फॉलो करो. मैम ये 30 डिग्री कैसे लेंगे मैम? तो यहाँ पर इस पॉइंट पे डी रखो, तो डी रख के यहाँ से इस लाइन से मेजर करो 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा. तो यहाँ पर पॉइंट रख के लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर लाइन. ड्राफ्टर से नहीं कर सकते? हाँ ड्राफ्टर से ही करते हैं, जिसके पास ड्राफ्टर नहीं है डी यूज करो. ओके मैम. सुनो मुझे 10 इक्वल पार्ट्स करने में आसान लगेगा 5 सेंटीमीटर लाइन, इसलिए मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ किया है. ओके नाउ आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट एंड ऑफ दिस लाइन एंड ये 0, ये फर्स्ट डिवीजन का एंड पॉइंट, इन दोनों का आई विल कनेक्ट. ओके 0 से यहाँ 0, इन दोनों को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है. ओके कनेक्ट करने के बाद 5 सेंटीमीटर. हाँ मैम आपने इसके वो 12.5 के मैम आपने 5-6 भाग कर दिए मैम, ये तो 5 ही करने थे ना मैम? 5 ही करना है, बट मैं यहाँ पर स्केल मिनी ड्राफ्टर यूज नहीं कर पाऊंगी ना कंप्यूटर पे, इसलिए अच्छा. मैंने एक लाइन खींचा है, वो बहुत लंबा चला गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ दिया है. इसको कट कर दो. तुम्हारे पास अभी हाथ में ड्राफ्टर है, तुम एग्जैक्ट मेजर करके कर सकते हो. अब कंप्यूटर में तो ड्राफ्टर में यूज नहीं कर पाऊंगी ना. यस मैम. यस मैम. इसलिए इसको कट कर दो, भूल जाओ इस पोर्शन को. अभी इसमें 5 इक्वल डिविजन्स है, किस किस को मंजूर है इस बात पे? एम आई राइट? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब अगेन फर्स्ट पोर्शन को हमें 10 इक्वल डिवीजन करना है. यहाँ पर 2.5 स्केल पे पॉइंट रखने में दिक्कत होती है, इसलिए आसान करने के लिए मैं इस पॉइंट से मिनी ड्राफ्टर में 30 डिग्री इंक्लिनेशन मेजर करके इंक्लाइंड लाइन अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया. अब मुझे ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को 10 इक्वल डिवीजन करने में आसान है या डिफिकल्ट है? इजी है बताओ. इजी है मैम. 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को डिवाइड करना आसान है ना? तो मैं ये लाइन है स्केल को, जो मिनी ड्राफ्टर स्केल है ना, उससे रख के मैं 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रही हूँ. इसमें काउंट करो कितना पार्ट्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 इधर खत्म हो रहा है. अगेन दिस मिस्टेक इज बिकॉज मैं फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसके वजह से ये डिविजन yes, ma'am. हाँ बड़ा छोटा हो रहा है. तुम अभी ड्राफ्टर पे करोगे ये डिविजन, तुम्हें एग्जैक्ट 10 इक्वल डिविजन आना चाहिए. 0.5, 0.5, 0.5 पे आएगा रूलर में. ठीक है, ये पॉइंट रखने के बाद यहाँ पर जो मिनी ड्राफ्टर है ना, मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल है इस ओरिएंटेशन पे रखो. ओरिएंटेशन पे रख के पैरेलल टू दिस लाइन मैं हर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. क्या ये लाइन पैरेलल है?
Is it parallel line? Yes, ma'am. Similarly, मुझे इस पॉइंट से हर एक जो मैं 10 इक्वल डिविजन्स किया ना, तो ये हर एक पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ऊपर ड्रा करना है. ये तो ये लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस 10 से ज्यादा हो रही है. क्यों हो रही है बेटा, क्या दिक्कत है? मैम आपने लाइन ज्यादा खींची है. हाँ, मेजरमेंट विदाउट मेजरमेंट कर रही हूँ ना, इसके वजह से फ्री हैंड हो रहा है. ओके मैम, इसलिए. बट तुम जब ड्राफ्टर से करोगे, इट शुड बी एग्जैक्ट 10 इक्वल डिविजन्स. जो एंड 5 सेंटीमीटर का एंड पॉइंट जीरो के साथ कनेक्ट करके इस लाइन का पैरेलल लाइंस तुम्हें यहाँ पर ड्रा करके जाना है. समझ आया? यस मैम. ओके मैम, अब यहाँ तक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बोल रही हूँ. तो प्रॉब्लम में मान लो दे आर सेइंग दैट 2.7 प्रॉब्लम पे 2.7 डेसीमीटर शो करो, ड्राइंग स्केल में, प्लेन स्केल में शो करो, ये कह रहा है. तो क्या करोगे? डेसीमीटर है ना, ठीक है. अब इधर देखो, हमेशा हम यहां से कंसिडर करना है 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर, ठीक है. इधर ये ध्यान से देखो बेटा, 1 डेसीमीटर 0. हाँ, इधर से शुरू नहीं करोगे कैलकुलेशन, इसलिए मैं कह रही हूं 0 से 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर. यहाँ ऊपर मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ, ये 2 है ना, 2 डेसीमीटर इधर कर लिया है, ठीक है. 2 से ऊपर हल्का सा एक्सटेंशन लाइन ड्रा किया. ये 0.7 मुझे कहां से मिलेगा? ये 0 है ना, 0 से हम इस तरफ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ए, अलॉन्ग दिस लेफ्ट डायरेक्शन पे हमें 1 2 3 करके जाना है. ये क्या है? 1 है. ये क्या है? 2 है. सॉरी, हाँ 1 मिनट है. ये क्या है, मैंने ये लाइन ले लेती हूँ. कोई बात नहीं मैम, ये 2 है, ये 3 है. ऐसे मुझे 0 से लेफ्ट साइड में 1 2 3 देना है. ये बहुत ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है बेटा. ओके, अब मुझे यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर खत्म हो रही है, तो मुझे यहाँ इस पे 7th में यहाँ से 0 फर्स्ट डिविजन, सब डिविजन, फर्स्ट सब डिविजन, सेकेंड सब डिविजन, थर्ड सब डिविजन, मुझे 7th कहाँ आ रही है? इधर आ रही है. तो उधर आ रहा है मैं, तो ये 7th सब डिविजन है ना, यहाँ से वर्टिकली एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर रही हूँ, ठीक है. अब देखो, मेजर करके देखो, 2.7 डेसीमीटर दिखानी है, तो 1 2.7 इस तरफ, ठीक है. अब मुझे डायमेंशन लाइन ड्रा करना है. ये डायमेंशन लाइन, इट शुड हैव एरो मार्क. सिमिलरली कितना यहां पर क्या लिखना है हमें इसको? हम 2.7, हाँ, इसको शिफ्ट करनी है हमें, इसको हम शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ. 1 मिनट, टेक्स्ट है ना, 2.7 डेसीमीटर
इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। ओके अब देखो वी हैव इंडिकेटेड 2.7 डेसीमीटर यहाँ पर। ओके दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल। इसमें किसी को मतलब, हाँ बोलो मैम, ये नीचे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है मैम, जरूरी है मैम 5 सेंटीमीटर की खींचने, कुछ और भी खींच सकते हैं मैम? हाँ यस वेरी गुड। 5 सेंटीमीटर मैंने इसलिए चूज किया है, मुझे 10 इक्वल डिवीजन करना आसान होती है 5 सेंटीमीटर लाइन को। मान लो मैंने 7 सेंटीमीटर लाइन खींचा, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर लाइन को मैं 10 इक्वल डिवीजन करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, इसलिए मैं 5 सेंटीमीटर कंफर्टेबल लाइन सूट सेलेक्ट किया है। ओके ऐसा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं। क्या है बेटा? जैसे हम अपने अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं ना, जैसे हाँ, तुम अपने पास डाला तो हाँ तुम कर सकते हो, बट मोस्टली ना अभी तक जो भी बैच गया है ऑल द स्टूडेंट्स फॉलो 5 सेंटीमीटर लाइन, क्योंकि वो कंफर्टेबल नंबर होती है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रा करके भी तुम 10 इक्वल डिविजन्स कर सकते हो। अगर मान लो तुम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रा कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट सॉरी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान लो तुमने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऐसे किया है, ये और भी आसान है 10 इक्वल डिवीजन करने में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको जीरो है ना, जीरो पॉइंट को इधर डिवाइड कर रही हूँ। अब मैं कहाँ डिवीजन कर रही हूँ, देखो 10 इक्वल डिवीजन करना आसान है, बट जब मैं पैरेलल लाइंस ड्रा करूंगी ना उस समय मतलब लॉन्ग इट विल टेक मोर टाइम। ओके ऐसे करना है, मैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन खींच के भी 10 इक्वल डिविजन कर सकती हूँ, बट जब मुझे ये इसमें डायग्राम थोड़ा नीट लुक दे रहा है, मैं इतना ज्यादा लॉन्ग लाइन ड्रा करके ड्राइंग खराब क्यों करना चाहूंगी, बताओ। ओके एक बात पूछनी थी मैम। हाँ बोलो मम्मी, ये हमेशा नीचे रहता है ना? नहीं ऊपर भी कर सकते हो, नॉट कंपल्सरी नीचे ही करना है। ओके मैम वो एक बार बता देना मैम, जो 12.5 आया था मैम वो कैसे आया था? हाँ आई विल एक्सप्लेन, मुझे फर्स्ट हाँ इसमें और भी हमें लिखना है बेटा, आई विल एक्सप्लेन, हाँ तुम्हारा पॉइंट में मन में रखूंगी बेटा। अभी इसको देखो, ये स्केल के नीचे सेंटर पे मुझे आर एफ कितना था, हमें 1:4 था ना, 1/4 ये लिखना बहुत जरूरी है नीचे, इसके नीचे। फिर यहाँ पर जो 4 है ना, यहाँ पर हमें ये भी करना है, इट इज क्या इसको शो कर रहा है लॉन्ग एनफ टू 4 डेसीमीटर था ना, तो 4 डेसीमीटर मीन्स हमें यहाँ पर नहीं मैम प्रॉब्लम में क्या 5 डेसीमीटर था, 5 डेसीमीटर था मैम, 5 डेसीमीटर। अच्छा लॉन्ग एनफ टू 5 डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर, यहाँ पर नीचे लिखना था मुझे, इसके नीचे 4 है ना, यहाँ पर डेसीमीटर लिखना है। ओके यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर है ना, तो यहाँ पर मिनिमम हमें क्या करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर जो स्केल के नीचे आर एफ लिखना है, डेसीमीटर लिखना है, उसका सब डिविजन लिखना है, प्रॉब्लम में क्या दिखाने के लिए बोल रहा है शो करने के लिए वो लिखना है। सो ये यहाँ पर कंप्लीट है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल। अब कोई बच्चा पूछ रहा था कि 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन कैसे फाइंड आउट किया है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, आर एफ वैल्यू कितना 1/4 है, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या था, लॉन्ग एनफ टू 5
कितना 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर। मुझे 5 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? हमारी रूलर्स में सेंटीमीटर में ये आसान होती है ड्रॉ करना है, इसलिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा। समझ में आया बेटा? हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मैम, ये आप यूट्यूब पर डालोगे वीडियो? हाँ यस आई विल डू इट। ओके स्टार्ट करें बनाना। हाँ यस, अपना काम शुरू करो। प्लेन स्केल कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, मैं कहाँ पर थी? यस यहाँ पर थी। ओके अब इसमें देखो, ये जो मैंने ड्राइंग किया था सेम यहाँ पर ड्रा कर रखा है। 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रा किया, उसको 5 इक्वल डिविजन्स पे डिवाइडेड है। एंड ऑफ फर्स्ट डिविजन को 0 किया, फिर 1, 2, 3, 4 किया है। फर्स्ट डिविजन को सब डिविजन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से 30 डिग्री इंक्लिनेशन में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रा किया है। उस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को 0 के साथ ज्वाइन करके 10 इक्वल डिविजन पैरेलल लाइंस ड्रा किया है। इसमें शो करना है 3.7 डेसीमीटर है, तो उसके लिए 0 से मतलब ये पॉइंट की जो होल नंबर है ना, पॉइंट की लेफ्ट साइड है, होल नंबर को मुझे 0 से मेजर करना है। 3 पार्ट्स, 0.7 को 0 के टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर आ रहा है, तो 0.7 इधर लेना है। तो 0.7 इस तरह, होल नंबर 3 इस तरह, टोटली मुझे 3.7 डेसीमीटर मिल रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। ओके अब तुम क्या करोगे, तुम ड्राइंग शीट पे सेकेंड वाला सम करोगे। कर सकते हो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा? आर यू रेडी? यस मैम। ओके यस मैम। ओके अब तुम क्या करोगे, ये इधर ड्राइंग शीट पे या रफ कॉपी में रूलर ले लो, पेंसिल लेके या अदरवाइज ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पे अटैच करके ड्राफ्टर से ये काम शुरू करो। करो काम करके मुझे शो करोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल। मैम मेरे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं। स्टार्ट करो बेटा, काम शुरू करो। किसी को डाउट है तो वो कर सकते हैं। अब मुझे मैम हाँ पूछो। मेरे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं है। तो ठीक है बेटा, तुम्हारे पास कैसे, या नीचे जमीन में बैठ जाओ, ड्राइंग कॉपी लेके एक स्केचबुक लेके नीचे बैठ जाओ, या बेड पे बैठ के स्केचबुक में शुरू कर। अभी फिलहाल तुम्हारे पास कोई A4 शीट है, स्केल पेंसिल है? हाँ मैम। ओके ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये प्लेन शीट स्केल है तो स्टार्ट कर लो। इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए स्केल ऑफ 1:60। ये मतलब क्या है बेटा, आर एफ वैल्यू इज गिवन टू शो मीटर डेसीमीटर। तो मीटर को मुझे राइट साइड में शो करनी है, डेसीमीटर को लेफ्ट साइड में शो करनी है। आर एफ वैल्यू 1:60 गिवन है, तो आर एफ वैल्यू सेंटर पे आई विल राइट इट। अब मुझे लेंथ ऑफ द स्केल कैलकुलेट करके बताओ, कौन जल्दी करेगा, मुझे जवाब चाहिए। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है बेटा, हैव यू कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्केल? आर एफ इनटू लेंथ ऑफ स्केल। ओके बेटा, इसमें आर एफ 1/60 है, 1/60 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग एनफ टू 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर से मल्टीप्लाई करो 6 से। मैम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या फिर मीटर में ही रहने दे? सेंटीमीटर में ही करना है बेटा, इसलिए क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है।
यस मैम हाँ इसलिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आरएफ वैल्यू कितना 1/60 लिखो लॉन्ग एनएफ में से 6 मीटर सेंटीमीटर है ना तो अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो कितना सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है कितना सेंटीमीटर है 100 मैम 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब क्या है 10 कट हो रही है 6 मैम 10 आएगा 1 तो मैम 10 सेंटीमीटर कितना 10 सेंटीमीटर आएगा ओके मैम हां मुझे लेंथ ऑफ स्केल मिल गया 10 सेंटीमीटर अब मैं क्या करूंगी स्टार्ट नेक्स्ट क्या काम करूंगी 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूंगी हां ये वाला लाइन है ना तुम लोग भी साथ साथ करो बेटा काम मुझे अभी कैमरा ऑन करके शो करोगे काम ये देखो ये वाला लाइन मुझे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर इसको 5-5 कर दो ये वर्टिकल है ना इस वर्टिकल लाइन को 5 मिलीमीटर 5 mm ले लो 5 mm लेके इसको कंप्लीट करो मैम 5 mm क्यों लेना है ये कोई कंपलसरी नहीं है बेटा एनी वैल्यू तुम 3 mm का 2 mm का भी कर सकते हो ओके ओके हाँ हमें 5 mm कंफर्टेबल होती इसलिए 5 ले रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर की लाइन के बाद उसको हमें डिवीजन करनी है क्या कितना डिवीजन है प्रॉब्लम में ये कोड दे रखा है क्लू क्या है 6 मीटर दे रखा है इसका मतलब हमें 6 इक्वल डिविजन्स करनी है ओके ना मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें मतलब जैसे कि ये इसमें 6 मीटर दे रखा है तो उसी तो के हिसाब से मतलब इक्वल डिविजन करना है बॉक्स बनाना है हमें डिवीजन करनी है हां ओके मैम अब मुझे बताओ बेटा हर एक डिवीजन कितना सेंटीमीटर आ रही है मुझे बताओ 1.67 मैम 1.6 1.67 आ रहा है ना अब तुम्हें क्या इतना सेंटीमीटर है लेंगे ना 1.6 हाँ तो इतना सेंटीमीटर है ना बेटा एमएम पे कितना आएगा 16. एमएम पे तो mm हम नहीं कर सकता ना तुम इसके लिए क्या करोगे 0.5 से ऊपर है ना तो हम 17 मान सकता है ठीक है हम क्या करेंगे 17 mm स्केल पे स्केल इधर रखो यहाँ तक 70 mm डिस्टेंस पे एक पॉइंट फिर नेक्स्ट 17 mm नेक्स्ट 17 mm हर एक 17 mm डिस्टेंस पे 5-6 इक्वल डिविजन्स करो किसी को कुछ डाउट है कैमरा ऑन करो काम कर रहे हो मुझे देखनी है कैमरा ऑन करके काम शो करो शो योर वर्क किसी को हाँ सुमित बेटा काम कर रहे हो यस मैम ओके 6 इक्वल डिविजन्स कर लिया बना दे ओके सभी बच्चे कैमरा ऑन करो बेटा काम कर रहे हो शीट्स की टुवर्ड्स डायरेक्शन चेंज करके कैमरा ऑन करके दिखाओ तुम लोग काम कर रहे हो सो रहे हो या मुझे देखना है
बस कान में सुनते रहोगे समझ नहीं आएगा, काम मेरे सामने करोगे तब तुम्हें समझ आएगा। कैमरा ऑन करो सभी। मैम ऋषिकांत। हाँ यस बेटा, बाकी बच्चे भी करो, कैमरा ऑन करो ऑल द स्टूडेंट्स। मैम नीचे तो 30 डिग्री का एंगल ही खींचना है ना। हाँ दैट इज फाइन, 45 भी कर सकते हो बट 30 इज फाइन। हम बना के दिखाता है। आशीष का है, एक लाइन ड्रा किया है। ठीक है बेटा आगे प्रोसीड करो। मैम यहाँ पे 6 बार रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ ठीक है, बांटना भी। हाँ हर एक डिवीजन का कितना डिस्टेंस रखा है तुमने? मैम 1.6, ये फर्स्ट वाला 1.6 सेंटीमीटर। ओके यस मैम। हाँ ठीक है ठीक है, 1.6 बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, वो है 1.7 ले लो। मैंने खेल थी। चलो कोई बात नहीं आगे करो। मैं बना के दिखाता है, फोन पकड़ना पड़ता है। ओके 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 बना के दिखाओ। बाकी किसी बच्चे का डाउट है? आशीष नो मैम, अभी बना के दिखाते हैं। ओके ओके मैम, लॉन्ग लाइन तो 10 सेंटीमीटर खींचनी है। ओके और मैम जो नीचे एंगल है वो 30 डिग्री का खींचना है। ओके मैम 17 mm के मैम जो लॉन्ग लाइन पे डॉट लगाने 17 mm से। हाँ क्योंकि हमें 6 इक्वल डिविजन्स करनी है, इसलिए 17 mm डिस्टेंस पे हमें डिवीजन करना है, 6 डिवीजन। मैम हाँ मैम 6 डिवीजन कैसे आया मैम 6 डिवीजन? तो उसमें प्रॉब्लम में गिवन है ना बेटा, लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर गिवन है, तो ये हमें क्लू है कितना डिवीजन करना है, उसके लिए ये क्लू है। अच्छा मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो हम 30 डिग्री की लाइन खींचेंगे वो कितनी लंबी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर बोला बेटा, क्योंकि हमें 10 इक्वल पार्ट्स करनी है ना, तो 5 सेंटीमीटर लाइन लॉन्ग ड्रा करो। ओके मैम ओके। मैं भी साथ साथ कर रही हूँ, देखते हैं कौन फास्ट करते हैं। मैं यहाँ 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया गया है, 0 के साथ जॉइंट है। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। स्केल रख के, तुम लोग स्केल रख के 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब 0.5 पे करना है। करने के बाद मुझे ये जो यहां से ज्वाइन करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है हर एक डिवीजन पे। मैम 10 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है ना? हाँ यस। तो मैम 6 से डिवाइड करेंगे? हाँ 6 से डिवाइड करके हमें मिला 1.67 सेंटीमीटर। तो 1.67 पे हमें क्या है, mm पे 16.7 mm है, इसको भी हम राउंड अप करेंगे 17 mm आ रहा है, तो 17 mm डिस्टेंस पे हमें 6 इक्वल डिविजन्स करना है। स्टार्टिंग से 17 mm, एक जीरो डाला, यहाँ से 17 mm, वन है, फिर 17 mm ऐसे जाना है। ओके मैम। मैम फिर आगे क्या करना है? अब लाइन खींच दी।
शो योर वर्क बेटा विवेक सुमित अपना काम दिखाओ फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैम कितनी लाइन खींचनी है क्या है कितनी लाइन खींचनी है मैम इसके अंदर 10 पार्ट्स है 10 इक्वल लाइंस बेटा यस मैम ओके विवेक यस विवेक का काम शो हो रही है बेटा इसने जो तुमने ये मैम ऋषि का सुमित हाँ यस सुमित का भी विजिबल हो रहा बेटा ओके एक मिनट सुमित तुम ड्राइंग का बेटा सुमित यस मैम वन मिनट मैम विवेक शर्मा हाँ विवेक शर्मा का फाइन है बेटा नंबरिंग दे दो जो उसमें जो तुमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया ना उसको जीरो से लेफ्ट हाँ जीरो से लेफ्ट डायरेक्शन पे 1 2 3 करके चले जाओ 10 तक नंबर नंबर दे दो यस मैम सुमित का मैम हाँ सुमित फिर आगे मैम सुमित बेटा पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया है वो शायद गलत है बेटा देखते हैं मैम तुमने पैरेलल लाइंस फर्स्ट पैरेलल लाइन जो 5 सेंटीमीटर हाँ अब ठीक है ओके ओके हाँ ओके क्लियर अब क्लियर दिख रहा है बेटा अब फाइन है अब तुम नंबर दे दो जीरो से लेफ्ट साइड में 1 2 3 नंबर दो नंबर विवेक तुम भी नंबर दे बेटा नंबरिंग जीरो से लेफ्ट साइड डायरेक्शन पे 1 2 3 10 तक दे What about other Sahil काम कर रहे हो? Yes ma'am कर रहा हूँ ma'am. Okay वापे आमे दूसरा Abel Abel other what about remaining students? Dev Sharma Deepak Sharma Sindhu ma'am Prashant का दिख रहा है? Prashant का अभी visible नहीं है बेटा. Ma'am Rishikant का? One minute हाँ. यस प्रशांत का शो हो रही है हाँ ओके नंबरिंग भी दे दिया 1 2 3 यस मैम तो 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट किया है मैम नीचे से नीचे ओके नीचे से 1 2 3 करके लेफ्ट साइड में 10 जाना चाहिए सबसे ऊपर हाँ यस मैम ओके अब इसमें ये वाला डायग्राम क्या करना है क्या है बेटा अब इसके आगे क्या करना है मैम हाँ इसमें स्केल में 3.7 मीटर शो करो 3.7 मीटर कैसे करोगे पांचवी में था जब नौवीं की बुक पढ़ता था वो बात अलग है हिंदी की पढ़ता था दीपक तू ड्राइंग काम करो कौन सा नावल पढ़ा गया इससे कोई लेना देना नहीं है ड्राइंग कर रहे हो दीपक शर्मा मैम आकाश का देख लीजिए मैम हाँ बेटा शो करो कैमरा ऑन करो कैमरा रिवर्स करो अच्छा ठीक है हाँ ओके तुमने 3.7 जीरो से 1 2 3 किया 7 किया हाँ उसके ऊपर लिखो बेटा लिखा है क्या मुझे विजिबल नहीं हो रही है 3.7 मीटर लिखो 3.7 मीटर नंबरिंग जैसे कर लिया ऋषि का हाँ ऋषि का नंबरिंग यहीं से करनी है नहीं बेटा नीचे से ओके नीचे से 1 2 3 करो 1 2 3 ऊपर लेफ्ट साइड में जाना है मैम हाँ यस विवेक शर्मा यस बेटा हाँ विवेक तुमने उस ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं किया है लग रहा बेटा यस मैम